अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे स्प्लंक इवेंट टाइप्स। इवेंट फॉर्म्स आर अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगराइजिंग द डाटा टू हेल्प अस मेक सेंस ऑफ इट। इवेंट टाइप्स अलाउज अस टू शिफ्ट थ्रू इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ डाटा, फाइंड सिमिलर पैटर्न्स एंड क्रिएट अलर्ट्स एंड रिपोर्ट्स। इवेंट टाइप्स एंड द सर्च टाइम सीक्वेंस। जब हम जो है वो रन कर रहे हैं सर्च, स्प्लंक सॉफ्टवेयर जो है वो रन कर रहा है मल्टीपल ऑपरेशंस, डिराइव ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड अप्लाई कर रहा है इवेंट्स रिटर्न्ड बाय द सर्च। स्प्लंक प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म कर रहा है इन ऑपरेशंस को इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस के साथ। फर्स्ट आती है रेस्ट्रिक्शंस। स्प्लंक सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा होता है टाइप ऑफ इवेंट्स को, जो फर्स्टली हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं एंड देन थ्रो एएस सीडब्ल्यूआई सॉर्ट ऑर्डर में। सर्च स्ट्रिंग जो है वो डिफाइन कर रहा है टाइम इवेंट टाइप्स को, जो कैनोट रेफरेंस टैग्स पुट किया गया, क्योंकि इवेंट टाइप्स जो है वो ऑलवेज प्रोसेस्ड है बिफोर टैग्स एंड एडिट टू इवेंट्स। हाउ इवेंट टाइप्स वर्क। एनी इवेंट जो है वो मे बी रिटर्न भी हो सकती है जिसमें सर्च इनपुट किया गया, क्योंकि एसोसिएटेड विद दैट टाइप ऑफ इवेंट। हम जो है वो कह सकते हैं सर्च, यहाँ पे एग्जाम्पल पुट की गई है, सोर्स टाइप एक्सेस और कंबाइंड किया गया स्टेटस 200 एक्शन इज इक्वल टू परचेज। अगर हम जो है वो सेव कर रहे हैं सर्च एज एन इनपुट इवेंट टाइप नेम्ड के साथ, तौर पे सक्सेसफुल परचेज पुट किया गया, इवेंट टाइप इज इक्वल टू सक्सेसफुल परचेज। ये जो है वो एक पार्ट है एडिट है, जिसमें आप जो है सर्च टाइम ऑफ एन टू एनी इवेंट जो आप रिटर्न कर सकते हैं एडिट बाय दैट सर्च से। इसमें जो है वो आप देख सकते हैं समथिंग जो है वो एंटायरली डिफरेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, और यहाँ पे नोट पुट किया गया जिसमें यूज कर रहे हैं इवेंट टाइप्स और कंज्यूम किया गया लॉट ऑफ डाटा और एवरी सर्च अटेम्प्ट कर रहे एसोसिएट कर रहे इवेंट्स को विद नॉन फॉर्म ऑफ इवेंट को। यूज कर रहे हैं इवेंट टाइप सक्सेसफुल परचेज एज अ इवेंट टर्म के तौर पे, जिसमें आप क्रिएट कर रहे हैं सर्च जो वर्क कर रहा है इवेंट के लिए, जो मैच कर रहा है डेट टाइप ऑफ इवेंट। सिंगल इवेंट जो है वो मैच आप कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट के साथ। इवेंट टाइप एक्ट कर रही है एज अ मल्टीपल वैल्यू मल्टी वैल्यू फील्ड जब हम जो है वो इवेंट मैच कर रहे हैं टू और मोर टाइप्स ऑफ इवेंट्स। सिग्निफिकेंट इवेंट टाइप डेफिनेशन रेस्ट्रिक्शंस। हम जो है वो यहाँ पे कैनोट बेपास नहीं कर सकते बेस्ड द फॉर्म ऑफ द अकरेंस ऑन अ क्वेस्ट टू। फर्स्ट आता है इंक्लूड अ पाइप ऑपरेशन आफ्टर अ सिंपल सर्च। सेकेंड है इंक्लूड अ सब सर्च। थर्ड आता है इसमें हम जो है वो स्पेसिफाइड कर रहे हैं बाई ए सिंपल सर्च, यूज करना अपने सेव सर्च कमांड जो रेफरेंस पुट किया गया, और अगेन जो है एग्जाम्पल यहाँ पुट की गई है। अगर हम जो है वो रिपोर्ट नेम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड लॉगिन सर्च, ये सर्च जो है वो आपकी नॉट यूज टू डिफाइन कर रही है टाइप ऑफ इवेंट सेव्ड सर्च फील्ड लॉगिन सर्च। यहाँ पे केस पुट किया गया जिसमें आप यूज कर रहे हैं सर्च स्ट्रिंग को, जो डिफाइन कर रहा है फील्ड लॉगिन सर्च एज अ फॉर्म ऑफ इवेंट डिस्क्रिप्शन के तौर पे। अगेन यहाँ पे लास्ट पॉइंट पुट किया गया इज नॉट अ रिजिड रिस्ट्रिक्शन बट अ बेस्ट प्रैक्टिस, जिसमें हम चाह रहे हैं अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशंस को वेयर अनदर यूजर मॉडिफाइज द सर्च स्ट्रिंग अंडरनीथ फेल्ड लॉगिन सर्च एज अ फ्यूचर डेट डेट पॉसिबल इन अ वे दैट ब्रेक्स द टाइप ऑफ इवेंट। इसमें अगर हम जो है वो यूज कर रहे हैं एक्चुअल सर्च स्ट्रिंग को इन द डेफिनेशन, तो हम जो है वो यहाँ पे मोर कंट्रोल कर सकते हैं ओवर द ऑनगोइंग वैलिडिटी ऑफ द इवेंट टाइप को। क्रिएटिंग इवेंट टाइप्स। इजिएस्ट वे है जनरेटिंग अ न्यू टाइप फॉर इवेंट थ्रू स्प्लंक इंटरनेट। क्लिक करना अपने सेव एज एंड सिलेक्ट करना टाइप ऑफ इवेंट आफ्टर वी रन अ सर्च दैट वुड मेक अ गुड टाइप ऑफ इवेंट। इसको ओपन करना है सेव एज टाइप विंडो के साथ, जिसमें इंक्लूड किया गया नेम ऑफ द इवेंट फॉर्म एंड ऑप्शनली जो है वो ऐड किया गया टैग के साथ। इसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई किया गया कीप इवेंट टाइप्स को स्प्लंक वेब और मोर डिटेल्स ऑन सेविंग सर्च एज इवेंट टाइप्स के तौर पे। इवेंट टाइप्स टैग्स। इवन टाइप जो है वो आप एसोसिएटेड कर सकते हैं विद वन और मोर टैग्स के साथ, और ये टैग जो है वो आप अप्लाइड कर सकते हैं जब आप सेव कर रहे हैं सर्च एज इवेंट के तौर पे, और जो आउटपुट किया गया है इवेंट टाइप मैनेजर लोकेटेड इन सेटिंग्स इवेंट टाइप्स। विंडो के लिए जो है वो लिस्ट ऑफ इवेंट टाइप्स है, चूज करना वन वी विश टू एडिट, और लेबल टाइप्स ऑफ इवेंट्स है जो ग्रुप ऑफ डेटा इन टू कैटेगरीज, मल्टीपल टैग्स जो गिवन पुट किया गया है पर केस में, और स्प्लंक वेब में आप जो है वो टैग को यूज कर रहे हैं इवेंट टाइप और कॉन्फ़िगर कर रहे हैं इट इज इन टैग्स कॉन्फ़िगर। यहाँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन पुट किया गया रिगार्डिंग द टैग ऑफ द इवेंट टाइप। इवेंट टाइप्स टैग्स एग्जांपल वन।
अब जो है वो यहाँ पुट किया गया मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करना इवन टाइप टैग जो ट्रैक कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट फील्ड वैल्यूज सच एज HTTP असेस लॉग्स IP एड्रेस और ID नंबर्स। ऐड टैग जो है वो टाइप ऑफ इवेंट है जो पुट किया गया सेटिंग टाइप ऑफ इवेंट्स। मेन्यू में आप पिक कर रहे हैं टाइप ऑफ इवेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवेंट टाइप्स। ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ पुट किया गया टाइप ऑफ इवेंट्स सर्च कर रहे हैं इन अ सेम वे वी सर्च फॉर एनी टैग। यहाँ पुट किया गया जिसमें आप यहाँ देखें पेज नॉट फाउंड स्टेटस 404 इवेंट टाइप। देन आप सेव कर रहे हैं सर्च फॉर फेल्ड ऑथेंटिकेशन एज अ स्टेटस 404 इवेंट टाइप ऑफ इवेंट। अगर हम जो है वो टैग कर रहे हैं एनी ऑफ दीज इवेंट टाइप्स विद HTTP क्लाइंट एरर देन हम जो है वो रिकवर कर रहे हैं ऑल इवेंट ऑफ टाइप्स जिसमें यहाँ जो है वो सर्च या यूजिंग बार पुट की गई है। टैग इवेंट टाइप पुट किया गया HTTP सर्वर और क्लाइंट एरर इवेंट टाइप टैग्स एग्जाम्पल 2। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन मॉडल ऐड किया गया स्प्लंक प्लेटफॉर्म। यूजली इसमें आप जो है वो यूज कर रहे हैं इवेंट टाइप ऑफ टैग्स नॉर्मलाइज कर रहे हैं न्यू इंडेक्स डाटा फ्रॉम द अनफेमिलियर सोर्स टाइप के लिए। हम जो है वो इसमें यूज कर रहे हैं टैग्स को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ इवेंट्स विद इन अ सिंगल सोर्स ऑफ डाटा। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं CIM कंपेल्ड टैग टू योर डाटा टू अवर डाटा। फर्स्ट है इसमें पुट किया गया सिलेक्ट सेटिंग डाटा मॉडल स्प्लंक वेब पैन के लिए। फाइंड करना है आपने डाटा मॉडल डाटा सेट जिसमें आप जो है वो डाटा को सेट कर सकते हैं HRM और मैप और देन जो है मार्क कर सकते हैं टैग्स को। यहाँ पे एग्जांपल है परफॉर्मेंस डाटा मॉडल और CPU लोड परसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो 3 या फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट आती है यहाँ पे टैग पुट किया गया इज इक्वल टू परफॉर्मेंस टैग इज इक्वल टू CPU। सेकेंड है जिसमें आप क्रिएट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट इवेंट टाइप्स स्प्लंक वेब टाइप में वो पुट किया गया सेटिंग पे जाना है। उसके बाद इवेंट टाइप्स है ये जो है डायरेक्टली असेस कर रहा है कॉन्फ़िगर फाइल को। अगेन स्टेप 3 है जिसमें क्रिएट कर रहे हैं क्रॉसपॉन्डिंग टैग्स इन स्प्लंक वेब। सिलेक्ट करना है सेटिंग टाइप्स ऑफ इवेंट्स लोकेट करनी है दैट टाइप ऑफ इवेंट जिसमें आप टैग कर रहे हैं क्लिक कर रहे हैं ऑन इट्स नेम के साथ और इसमें आप एडिट कर सकते हैं फाइल डायरेक्टली टू कॉन्फ़िगर। Define types of events on Splunk web. Type of event जो है describe कर रही है such returning a specific type of event or a variable set of events. यहाँ पे example है जिसमें देखें source type जो है वो access combined status put किया गया 200 action purchase. अगर यहाँ put किया गया अगर आप save कर रहे हैं search as a event type के तौर पे जिसमें जो है हम कहते हैं successful purchase event type is equal to successful purchase. इसमें आप अप्लाई कर रहे हैं सर्च टाइम टू एनी इवेंट दैट मे बी रिटर्न बाय दैट सर्च। ये सारा जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया। सेव आवर सर्च दैट वी रन एज अ फॉर्म ऑफ इवेंट। हम जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं सर्च एज अ इवेंट टाइप को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर्च को। टाइप ऑफ इवेंट जो है वो टिपिकली रिफ्लेक्ट कर रही है सर्चेज को दैट रिटर्न अ स्पेसिफिक इवेंट और रिटर्न अ यूजफुल वैरायटी ऑफ इवेंट्स। अगर वंस जो है वो हम बिल्ड कर रहे हैं इवेंट टाइप जिसमें पुट किया गया वेरिएबल स्प्लंक फॉर्म एक्सेट्रा एंड यूजर्स योर यूजर नेम एप लोकल द इवेंट टाइप डिस्क्रिप्शन पुट की गई जो अप्लाइड है इवेंट टाइप्स कॉन्फ़िगर वेयर एप इज अ करंट डिवाइस कॉन्टेक्स्ट। स्प्लंक फ्रेमवर्क जो है वो शिफ्ट कर रहा है इवेंट टाइप को जिसमें वेरिएबल स्प्लंक पुट किया गया होम एक्सेट्रा एप्स एप लोकल। अगर हम जो है वो चेंज कर रहे हैं परमिशंस ऑन दैट इवेंट टाइप जिसमें आप मेक कर रहे हैं एक्सेसिबल टू ऑल यूजर्स के लिए जिसमें एप पुट किया गया ग्लोबली फॉर ऑल एप्स के लिए। सेव सर्च एज अ टाइप ऑफ इवेंट। व्यू सर्च में जो है वो रन करना है सर्च। सेकंड है क्लिक करना है सेव एज के तौर पे और सिलेक्ट करना है इवेंट टाइप। थर्ड है जिसमें पुट किया गया इवेंट टाइप है यूनिक नेम के साथ। फोर है ऑप्शनल है जिसमें टैग्स वन और मोर टैग्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेपरेट कर रहे हैं कोमा के साथ। फिफ्थ है ये ऑप्शनल है सिलेक्ट करना अपने कलर ऑफ द इवेंट को। ये देखें किस तरीके से यहाँ बोल्ड किया पर्पल को इस तरीके से यहाँ पे कलर जो है वगैरह कर सकते हैं एडिट वगैरह कर सकते हैं सेटिंग से। सिक्स जो है वो ऑप्शनल है जिसमें प्रायोरिटी इफेक्ट्स पुट किए गए हैं जो डिस्प्ले कर रहे हैं इवेंट्स को। और फर्स्ट जो है वो यहाँ पे देखें बेस्ट प्रायोरिटी एंड वर्स्ट जो है वो 10 है। 7 है क्लिक करना है सेव पे और यहाँ पे जो है वो न्यू इवेंट टाइप जो है वो सेव होगी जिसमें हम एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट ऑफ इवेंट टाइप्स को और यूजर जो है वो जनरेट कर रहा है टाइप ए सेटिंग कैटेगरीज ऑफ इवेंट्स को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।